बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फाइव में क्वेश्चन आंसर किए थे, है ना, और उसके आगे के क्वेश्चन आंसर हम आपको आज करवा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले है हमको कुछ देखना है, इसमें एक टॉपिक है काल, है ना। अब काल किसे कहते हैं बताइए, तो काल किसे कहते हैं, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। कोई भी क्रिया होती रहती है तो उस क्रिया के जो होने का समय होता है उसे क्या कहते हैं, काल। और काल के कितने भेद होते हैं, काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, है ना। तो हमने कल आपको बता चुके थे वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है। तो वर्तमान काल क्या होता है बताइए, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे कि रवि गेंद खेल रहा है, मतलब ये काम कब हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, है ना। तो ये काम जो हो रहा है रवि के द्वारा वो वर्तमान समय में हो रहा है, तो इसलिए ये उदाहरण किसका होगा, वर्तमान काल का, रवि गेंद खेल रहा है ना। उसी प्रकार से भूतकाल, अब भूतकाल क्या होता है, कि भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। मतलब जो कार्य बीत चुका है वह कौन सा काल होगा, भूतकाल। जैसे कि उदाहरण देखिए, दिव्या झूला झूल रही थी, झूला झूल रही थी मतलब वह काम उसके द्वारा हो चुका है ना। जैसे यहाँ पर रवि गेंद खेल रहा है मतलब अभी काम जारी है। उसी प्रकार से दिव्या झूला झूल रही थी मतलब यह काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये बीत चुका है, तो इसे हम कौन से काल में लेंगे, भूतकाल में। और तीसरा कौन सा होता है, भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो अभी तक हुआ ही नहीं है, आगे होने वाला है ना। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल, है ना। जिस प्रकार से देखिए उदाहरण में क्या दिया है, कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आऊंगा मतलब अभी तक ना आया है ना आया था, मतलब वो आएगा, है ना। तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आऊंगा मतलब यह कार्य कब होने वाला है, आने वाले समय में, है ना, तो भविष्य में होने वाला है, इसलिए कौन सा काल में आएगा, भविष्य काल, है ना। इस प्रकार से ये काल है, और काल के ये काल का पूरा वो परिभाषा हो गई, काल के तीनों भेद हो गए और ये उदाहरण हो गया। अब जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चन है कि आगे सही अथवा गलत का निशान हमें लगाना है। जैसे कि फर्स्ट बोल रहा है, काल का अर्थ है काम। तो बच्चों काल का अर्थ काम होता है क्या, काम, काल का अर्थ काम नहीं होता, इसलिए इसमें क्या आएगा, गलत का निशान आएगा। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, तो सही है, हमने आपको बताया था कि क्रिया के होने के समय को ही क्या कहते हैं, काल कहते हैं, है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, सही का निशान। दूसरा है, शेर हमें खा ही जाएगा, वाक्य से बीते समय का पता चल रहा है, खा ही जाएगा मतलब बीते समय का पता चल रहा है क्या, और बीता समय कौन सा होता है, भूतकाल। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कि बीते समय का पता चल रहा है मतलब इसमें क्या आएगा, इसलिए ये कौन सा होगा, शेर हमें खा ही जाएगा, वाक्य से बीते समय का पता नहीं चल रहा है, ये भविष्य की बात हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, गलत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। तो ये राइट आंसर है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, सही का निशान। अब देखिए थोड़ा नीचे पर और एक कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, रवि बाजार जाएगा, रवि बाजार जाएगा, इसका कौन सा काल कहलाएगा, ये जाएगा मतलब अभी होने वाला है, मतलब ये भविष्य काल में आएगा। आगे है, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे मतलब ये समय बीत चुका है, मतलब ये कौन सा काल आएगा, भूतकाल। मनोज पतंग उड़ाता है, मतलब यह काम अभी भी
जारी है, इसलिए ये कौन से काल में आएगा? वर्तमान काल में। नेक्स्ट है दिव्या झूला झूल रही थी, तो झूला झूल रही थी हमने अभी आपको बताया था, ये कौन से काल में आएगा? ये भूतकाल में, क्योंकि ये काम हो चुका है। अलग आगे है, वह गेंद खेलता है, गेंद खेलता है मतलब अभी काम चालू है, इसलिए ये वर्तमान काल में आएगा। नेक्स्ट है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर उदाहरण में बता चुकी हूँ, तो ये कौन से काल में आएगा? भविष्य काल में, है ना। इस प्रकार से ये काल का पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, और ये जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हम इसको बुक से फोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे। तो जितना वर्क हमने अभी तक पार्ट फाइव का करवाए हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी, तो वो सब आपकी अपनी हिंदी कॉपी में उसे आप लोग नोट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और हमें सेंड करेंगे, और साथ में आप लोग उसे लर्न भी करेंगे। तो ये आपका काल का जो दिया हुआ है इसे आप लोग बोर्ड से ध्यान से देख लीजिए, और फिर बाकी का हम जो क्वेश्चन आंसर है और भी बच्चे हुए जो छोटे छोटे हैं उसे हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे। ओके, तो आप लोग ध्यान से इसे नोट कीजिए और साथ में लर्न भी करेंगे।